कौन है? कैसा है वहाँ पेपर? हाँ अच्छा हुआ। अच्छा का तो कितना अच्छा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। ये फांस ना सलंज भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, मैंने उनके लिए दूध गर्म कर दी थी और ये मिठाई थी कल मैंने दिखाई थी ना वो थी, तो इतनी बुरी भी नहीं हुई थी। अम्मी को मैंने पूछा तो पता चला कि दूध नहीं डालते, मैंने दूध डाल दिया तो इसका जर्दा का हलवा हो गया था, तो मैंने यही सेट कर दिया था। माशाल्लाह से टेस्ट है लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। हाँ अंड्या की मिठाई अलादा है, अंड्या की मिठाई अलादा टिप बनाते हैं। अंड्या की मिठाई नहीं बना रही थी मैं, सिर्फ जर्दा बना रही थी जो अम्मी बनाते हैं, वो जर्दा बनाने गई तो हलवा हो गया था। हाँ अंड्या की मिठाई अम्मी ने मुझे सिखाया हुआ था, इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी। बच्चों को खाना भी था लेकिन देखती हूँ हो सके तो बताती हूँ। तो स्कूल से इजहान बैग तोड़कर जिप खराब कर आ गया था। मैं भी देख रही थी अभी 2 से 3 महीने ही ना स्कूल, तो नेक्स्ट बैग देने का सोच रही थी। खुश बैग नहीं है, नेक्स्ट साल देंगे कर लगती सो। खुश हाँ जाओ जल्दी, टाइम हो गए, जाओ जल्दी पौने पाँच। जिप बार बार महीने में एक बार दो बार तो जिप जाती ही रहती है बच्चों की, दला दला कर मैं भी थक गई थी। तो बस फाइनली मेरी बैग थी तो मैंने एक बैग थी ना मेरी ट्रैवल की, तो मैंने वो दे दी थी जहान को। खैर बच्चा खुश हो जाएगा, मतलब बच्चों को ज़रूरत भी थी तो मैंने उसे बैग दे दी थी। हो गया था दूसरा दिन, सुबह 7 बज रहे थे तो मैं आ गई थी किचन में। तो मैं बनाने सोची थी, मेरे हस्बैंड को आज देर जाना था, इतने 8 दिन से वो सुबह ही जा रहे थे, फजर को चले जा रहे थे, 6 बजे की ट्रेन थी तो वो चल जा रहे थे। तो मैंने नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी, तो आटा तो मैंने गेहूं का आटा था, ये चक्की आटा मैं गून कर रख दी थी साइड में। तो इसमें मैंने ये आलू को छोटे छोटे स्लाइस में, मतलब छोटे छोटे मैंने ये आलू को कट कर ली थी, और ये मेरे पास बटाने नहीं थे, हाँ तुअर के दाने थे, मैं छिलते छिलते कल रख दी थी तो वही काट ली थी, थोड़े वो भी डाल दूँगी। तो खीमा बना रही थी ग्रीन खीमा, तो मतलब फल के फल का मसाले की खीमा बना रही थी, इसमें आलू बटाने सब जाते हैं। तो नहीं तो सिंपल सादा भी बनाती हूँ, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता सिर्फ सादा खीमा का, इसलिए मैं इसी तरह बना रही थी। तो मैंने तेल को डाल लिया था, उसके ऊपर मैंने एक प्याज, मतलब बड़ी से इसकी एक प्याज को छोटा चॉप कर डाली थी, बस ब्राउन होने तक वेट करना है। इसके बाद मैंने जार में पे मसाला पीस रही थी, उसमें थोड़ा सा हरे धनिया, मतलब थोड़ी सी खोतमीर, थोड़ा सा एक खोपरे को नारियल को थोड़ा सा डाल ली थी, और एक टमाटो बड़े से इसका कट कर ली थी, और इसमें ही हरी मिर्च 2 डालकर और काली मिर्ची 1 टेबल स्पून के करीब डालकर इसे पेस्ट बनाना है। तो इसे फाइनली बना लूँगी इसका पेस्ट। तो ये प्याज ब्राउन हो रही थी देखिए इस तरह से, तो मेरा मसाला भी रेडी हो गया था, इसी में डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून, मतलब बड़ा टेबल स्पून नहीं था, मीडियम से इसका टीस्पून के करीब था। तो ये मैंने भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल अदरक का पेस्ट को ऐड की डली थी, और इसी में थोड़ा सा धनिया, मतलब हल्दी डालना है, धनिया नहीं है मेरे पास, ख़त्म होने को आया। हर चीज़ में मुझे धनिया डालने की आदत है, तो पहले सबसे पहले मुझे याद भी आती है और ज़बान पर भी आती है बात के धनिया। तो मैं धनिया, बिना धनिया के कोई भी सालन नहीं बनाती, इसलिए ज़बान पर फिर बार बार पलट रही थी। तो खैर मैंने थोड़ी सी हल्दी को इसमें डाल दी थी, और ये मेरा ब्राउन हो गई थी, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गई थी, तो ये फाइन पेस्ट जो मैंने पीसा हुआ था तो वो प्यूरी को मैंने इसमें ऐड कर दी, थोड़ा सा हिलाकर, थोड़ा सा पकने देना है मसाले को, वक्त भी हो रहा था ना, तो मैंने ज़्यादा पकने नहीं दी थी, सुबह ही जाना था मेरे हस्बैंड को, वक्त हो रहा था मुझे।
तो ये मेरा जो मैंने आलू को मैंने पटाटो आलू को मैंने चॉप कर ली थी वो ऊपर से उसमें ऐड कर दिया था, और ऊपर से नमक डाल दूंगी। जो भी हमारे पास खीमा वगैरह था, मेरे पास फाइन खीमा था, मतलब पिसा हुआ खीमा था, सारा मोटा खीमा नहीं था। वो भी खीमा को मेरे हस्बैंड को झड़ी लगती है उन्हें, इसलिए मैंने खीमे को पीस ली थी। तो सोडा थोड़ी सुईं की भाजी थी, मैंने वो ऐड कर दी। नहीं वो तो कस्तूरी भी डाल सकते हैं, मुझे तो कस्तूरी या मेथी की भाजी ही ज़्यादा स्मेल में हो टेस्ट में पसंद आती है, लेकिन मेरे पास थी सुईं की तो मैंने वो डाल दी थी। और ऊपर से मैंने खीमा डाल दिया था, नमक डालकर हिलाकर, जार में जो भी पेस्ट है ना, प्यूरी है ना, उसमें पानी हिलाकर डालकर सीटी ले लेंगे। तो बस इतना ही था, खीमा रेडी हो गया था, तो ये 2 से 3 सिटी पर रेडी हो जाएगा। चलिए, एक हाथ में मैंने हिला नहीं सकती थी तो मैंने मोबाइल रखकर हाथ पकड़कर हिला दिया, और 2 से 3 सिटी को मेरा चखना रेडी हो जाएगा। जब तक ये सिटी आती है तो ये काउंटर क्लीन कर कर बर्तन थोड़े हैं धो दूंगी, तो जब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। कपड़े पहन, चलो तो बच रहे थे 9। मेरे हस्बैंड नाश्ता कर कर चले गए थे, उन्हें जाकर मैं रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर कर आ गई थी। तो बच्चे मुंह धोने गए थे, तो बच्चों के लिए मैं ये रोटी बना रही थी, तो उनके लिए पैक कर रही थी लंच के लिए। तो मैंने की माँ को वो नहीं बताया, वो खाकर चले गए थे, दिखा रही थी। देखिए माशाल्लाह से टेस्ट में बहुत अच्छा हुआ है और स्मेल में भी बहुत अच्छा है। तो चलिए बच्चों के लिए मैं रोटी बना दूंगी, पराठे बना रही थी। इज़हान के लिए थोड़े छोटे से, आखिब के लिए थोड़े बड़े से। इज़हान को क्या होता है ना कि वो नहीं खाता, रोटी बचा कर लाता है, एक दो ना तो उसकी एक ही खाने की आदत पड़ जाती है, इसलिए मैं छोटे छोटे 2 बना कर देती हूँ उसे। क्योंकि 2 खाएगा तो बच्चों के जहन में रहेगा कि 2 खाएंगे, लेकिन वो एक दूंगे तो एक ही आदत पड़ जाएगी ना, इसलिए इज़हान को मैंने एक नहीं बनाती, एक में 2 बनाकर छोटे छोटे बनाकर देती हूँ, आखिब को थोड़े बड़े बनाती हूँ। तो ये पराठे रोटी पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। तो अम्मी के घर भी जाना है, काम है आज थोड़ा सा। तो ये देखिए मेरा चकना लंच पैक हो गया था। तो रोज़ की ड्यूटी है हमारी ये, रोज़ उठो पकाओ खाओ पिलाओ बच्चों को स्कूल को भेजो। तो ये हर हाउस वाइफ की, हर मदर की ड्यूटी है ना सबकी भी। तो हमें कोई परेशानी भी नहीं होती ना ये करते हुए, बस कोई बच्चे सताते हैं तो बीच में थोड़ा सा लो फील हो जाता है, कुछ बेजार भी होता है, लेकिन बस नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग वही सब कुछ शुरू हो जाता है। तो चलिए, रात में मैंने अंडियां का सालन बनाई थी, मतलब अंडियां का चार बनाई थी, बस उसे गर्म कर कर रख दूंगी। बच्चे अब खाएंगे नाश्ते में खाना, और वही खाएंगे नाश्ते में, रोटी नहीं खाते, बस लंच को खाते हैं। नहीं तो लंच मेरे पास राइस ख़त्म हो जाएगा ना, तो खाएंगे। इज़हान खा लेगा रोटी, लेकिन आखिर नाश्ते में रोटी नहीं खाएगा। तो खैर, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो आ गई थी मैं ये बच्चों को स्कूल पर छोड़कर, सुबह ही 10 बजे अम्मी के घर गई थी, लेकिन अभी अभी आई हूँ। आकर मैं इस घर भी क्लीन कर गई, बना ही सुबह ही चले गई थी। आकर मैं घर की साफ़ सफाई कर कर झाड़ कर पोछ कर, अम्मी के यहाँ थोड़ा काम था तो इसलिए चले गई थी। तो आते ही सबसे पहले मैंने घर का काम किया, और ये मैंने दूध बच्चों के लिए बॉयल करने के लिए रख दिया था। बच्चों का वक्त हो गया था आने के लिए, अब वो आ रहे होंगे। तो वो मैं आते आते गोश्त लेकर आ गई थी अम्मी के यहाँ से। जब भी आती हूँ तो मैं इतने बजे, मतलब दोपहर के बाद जब भी आती हूँ तो गोश्त लेकर आती हूँ। सुबह मैं इतना नहीं लाती, मैं सुबह का गोश्त मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं नहीं लाती। तो देखकर मैं दोपहर के बाद ही गोश्त लेती हूँ। तो मैंने ये बीफ का गोश्त लेकर आई थी, 1.5 किलो बीफ का गोश्त था और 1 किलो खीमा था, लेकर आ गई थी। देखती हूँ जो भी बनाना है दिखाती हूँ मैं आपको, लेकिन वही मेरे पास कुछ भी हो या ना हो, लेकिन गोश्त तो हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि मुझे आदत है गोश्त स्टॉक करने की। तो मैं वक्त से पहले कुछ भी हो, मेहमान आए और गेस्ट आए, इससे पहले मैं स्टोर कर कर रखती हूँ। आदत है मेरी, जो भी था मेरा गोश्त, चिकन हो मटन, मतलब बीफ हो, मटन तो नहीं खाते, तो रेडी रहता है। तो खैर चलिए, ये हो गया था बच्चों का दूध रेडी, तो बच्चों को बना कर दे डालूंगी। तो इसके बाद शाम को जो भी बनाती हूँ मैं दिखा देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, अब नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।